शिमला नगर निगम शहर के गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को टूटू वार्ड में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को बैंकों की योजनाओं, पेंशन और शिक्षा व विवाह लोन संबंधी जानकारी दी गई। शिमला नगर निगम द्वारा शुक्रवार को गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए टूटू वार्ड में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की संयोजिका निर्मला चौहान ने बताया कि कार्यशाला का आयोजन गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को बैंक की योजनाओं, सामाजिक जनकल्याण, शिक्षा व विवाह लोन और पेंशन संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर में 220 ग्रुप बनाए गए हैं। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शहर में रह रहे गरीब लोग और जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनका बेनिफिट देने के लिए है। उसी के तहत हम लोगों ने कुछ एक ग्रुप बनाए। शिमला में हमारे 220 ग्रुप हैं, तो आज हमने इसमें टूटू वार्ड में जितने हमारे समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनको बैंक की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, ग्रुप के लिए हो, उसकी जानकारी के लिए रखा। दूसरा, हम लोग इनको जो बाकी डिपार्टमेंट जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनकी भी जितनी भी स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो पेंशन स्कीम है, चाहे वो लोन की स्कीम है, चाहे वो एजुकेशन की स्कीम है, चाहे वो बच्चों की लड़कियों की मैरिज के रिगार्डिंग स्कीम है, उसकी जानकारी देना। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।